नोएडा के अस्पतालों के बाहर भीड़ का अंबार है। शहर की सड़कों पर एम्बुलेंस का सायरन गूंज रहा है, बेटियां बाप को लेकर भटक रही हैं, तो कहीं बाप अपने बच्चों को। कोई पत्नी मांग रही है एक बेड की सुहाग बच जाए, कोई बेटा कह रहा है एक बिस्तर दे दो, पापा को कुछ हो गया तो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचेगा। लेकिन इन सबके बीच नोएडा के अस्पतालों में सैकड़ों बेड कब्जा कर रखे हैं उन लोगों ने जो मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, आईएएस अफसरों के, बड़े बिजनेसमैन के या किसी ऐसे के जिसके पास रसूख का सिक्का हो। नोएडा के तमाम अस्पतालों में सैकड़ों माइल्ड सिम्टम या एसिम्टोमेटिक पेशेंट बिस्तरों पर कब्जा करके बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी नेता की सिफारिश मिली है, किसी विधायक का आशीर्वाद मिला है, किसी सांसद का वरद हस्त मिला है और किसी अफसर के कह देने भर से बेड अलॉट हुए हैं। नोएडा प्रशासन के तमाम अफसर बेड्स का इंतजाम करने में जुटे हैं इस खातिर कि मरीजों के लिए कोई इंतजाम हो जाए और किसी के इलाज के अभाव में जान न जाए। अस्पताल के बाहर बिना ऑक्सीजन के उधड़ी सांस लिए मरीज मरे जा रहे हैं। लोग मिन्नत कर रहे हैं कि प्लीज मेरे मरीज का दाखिला करा दो, लेकिन मजाल क्या है कि ये वीआईपी लोग बेड छोड़ दें, मजाल क्या है कि ये लोग मान जाएं, और मजाल क्या है कि ये लोग उन लोगों के लिए रास्ता छोड़ दें जिन्हें असल में इलाज की जरूरत है। नोएडा के जिला प्रशासन ने बीते 2 से 3 दिनों में 300 से अधिक ऐसे लोगों को अस्पताल से बाहर किया है जो एसिम्टोमेटिक थे या कम लक्षण वाले थे। होम आइसोलेशन में इंतजाम हो सकता था, तमाम पैसा था, तमाम सहूलियत, लेकिन अस्पताल में बेड का इंतजाम करे बैठे थे क्योंकि वीआईपी थे। इनमें वो लोग शामिल थे जो कोविड पॉजिटिव तो थे लेकिन माइल्ड सिम्टम था, एसिम्टोमेटिक थे लेकिन सिफारिश थी पीछे अस्पताल में बेड मिल गए। कोरोना के हालातों में ये बेड तब कब्जाए हुए थे जब शहर में 2-2 दिन की वेटिंग है, लोगों को अस्पताल के बाहर बिस्तर नसीब नहीं हो पा रहा, नोएडा में बेड नहीं मिल पा रहे, मरीजों के परिवार भटक रहे हैं रेमडेसिविर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, इलाज के लिए। कोरोना के इस काल में प्रशासन जिम्मेदार हो सकता है, सरकारें भी जिम्मेदार हो सकती हैं, लेकिन इन सबके बीच जिम्मेदार हैं वो लोग जो वीआईपी होने का तमगा लिए अस्पताल के बेड कब्जाए बैठे हैं। लोग कहते हैं सरकार तो दोषी है ही, लेकिन जनता की ये जमात भी। सवाल सिर्फ इतना कि आखिर क्यों है ऐसा कि अमीर पा जा रहा है बेड, बिस्तर, इलाज, हकीम, इंतजाम, लेकिन आम आदमी का सोचिए जो रिक्शा चलाता है, ठेलिया लगाता है, नोएडा की किसी बस्ती में रहता हो जिसके पास न मंत्री जी की सिफारिश है, न विधायक जी की सफारी और न लाश जलाने के लिए शमशान में 2 गज जगह, वो कहाँ जाए? क्या सिर्फ वोट देने के लिए है? सरकार को इसका जवाब देना होगा।